हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अलजेब्रा ऑनलाइन क्लासेस। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ सेकंड लेक्चर ऑफ चैप्टर 1 हिस्ट्री क्लास 10th। इफ यू वांट माय सेकंड लेक्चर आई हैव गिवन अ लिंक इन डिस्क्रिप्शन। सो लेट्स स्टार्ट अ लेक्चर। इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट हाउ नेशनलिज्म स्प्रेड इन यूरोप। यूरोप में नेशनलिज्म कैसे फैला। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जो हैब्सबर्ग एम्पायर था वहाँ पे डिफरेंट रीजन थे जो डिफरेंट लैंग्वेजेस स्पोक करते थे, जैसे अल्पाइन रीजन था जो टायरल, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड में था, ये इन तीनों का पैचवर्क था अल्पाइन रीजन, और बोहेमिया जहाँ पे लोग जर्मन स्पीक करते थे, और लोम्बार्डी और वेनेटिया में लोग इटालियन स्पीक करते थे। ऐसे डिफरेंट रीजन में डिफरेंट पीपल डिफरेंट लैंग्वेज स्पोक करते थे। उस टाइम में जो अपर क्लास थी उनको हम एरिस्टोक्रेसी बोलते थे, और लोअर कास्ट को पेजेंट्स, और मिडिल क्लास होती थी। जो मिडिल क्लास तो बाद में बनती, पहले केवल एरिस्टोक्रेसी और पेजेंट्स हुआ करते थे। जो एरिस्टोक्रेसी थी वो सोशली और पॉलिटिकली बहुत स्ट्रांग क्लास थी। इसके जो मेंबर्स थे वो एक कॉमन वे ऑफ लाइफ को चूज़ करते थे ताकि ये लोग यूनाइटेड रह सके। क्यों रहना चाहते थे ये लोग यूनाइटेड इसलिए रहना चाहते थे क्योंकि इनकी पॉपुलेशन स्मॉल थी। दे वर प्रेजेंट इन अ वेरी स्मॉल पॉपुलेशन, दैट्स व्हाई दे वांट टू बी इन एन यूनाइटेड सोसाइटी। तो इनको यूनाइटेड सोसाइटी में रहने के लिए एक कॉमन वे ऑफ लाइफ चाहिए। एक ही जगह पे ये लोग इस्टेट्स मतलब प्रॉपर्टी लिया करते थी, ये लोग फ्रेंच लैंग्वेज स्पोक करते थे, अपने एरिस्टोक्रेट्स में ही मैरिज किया करते थे। ओके, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन किसकी होगी फिर? पेजेंट्स की। ऑफ कोर्स पेजेंट्स की थी मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो वेस्ट में तो ज़्यादातर लैंड टेनेंट्स मतलब जो लैंड करते हैं रेंट पे देते, लैंडर्स के पास थी या स्मॉल ओनर्स। और ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में लैंड होल्डिंग का पैटर्न वास्ट स्टेट जो सर्फ मतलब पेजेंट्स करते थे कल्टीवेट, इस टाइप से हुआ करता था। वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में जो इंडस्ट्रियल की ग्रोथ है वो तेज़ी से हो रही थी क्योंकि वहाँ पे डिमांड ज़्यादा थी, इसलिए प्रोडक्शन ज़्यादा करना पड़ा। अब जो इंग्लैंड था वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ तो 18th सेंचुरी में ही हो गई थी, मिड 18th सेंचुरी में स्टार्ट हो गई थी। वाइल इन फ्रांस एंड सम अदर स्टेट्स द इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्टेड इन 19th सेंचुरी। तो फ्रांस और जर्मन स्टेट्स में तो बहुत लेट हुआ 19th सेंचुरी में, और इंग्लैंड में तो ये मिड 18th सेंचुरी में ही हो गया। तो अब इंडस्ट्रीज से इस चैप्टर का क्या लिंक? इंडस्ट्रीज आएगी तो इंडस्ट्रियलिस्ट आएगी, और वर्कर्स भी आएंगे काम करने के लिए, और एजुकेशन देने के लिए टीचर्स और प्रोफेसर्स चाहिए। तो इन सबको हमने एक कम्युनिटी में रखा और उस कम्युनिटी का नाम दिया मिडिल क्लास। क्या नाम दिया? मिडिल क्लास। और किन किन को रखा? टीचर्स, प्रोफेसर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, वर्कर्स, इन सबको एक में रखा। मिडिल क्लास की एक आइडियोलॉजी थी जिसको अपन बोलते हैं लिबरलिज्म। अब लिबरलिज्म क्या है वो अपन पढ़ते हैं। लिबरलिज्म के में लिबर का मतलब होता है फ्री। क्या होता है? लिबर मतलब फ्री। लिबरलिज्म न्यू मिडिल क्लास के लिए क्या मायने रखता था? तो मिडिल क्लास के लिए लिबरलिज्म का मतलब था कि हर एक इंडिविजुअल के पास फ्रीडम हो, इक्वालिटी हो, मतलब लॉ उनको इक्वल राइट्स दे, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना करे। फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब हुआ था 1789 में, तब लिबरलिज्म का मीनिंग था कि ऑटोक्रेसी को बैन कर दिया जाए, उसका अंत हो जाए, और क्लरिकल प्रिविलेजेस भी बंद हो जाए। जो कॉन्स्टिट्यूशन और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है वो पार्लियामेंट के थ्रू चले। तो अब मैंने बोला कि मिडिल क्लास इक्वालिटी चाहती थी, लेकिन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन था वहाँ पे। कैसे पता? क्योंकि तब सफरेज फीमेल्स को अलाउ नहीं था। सफरेज मीनिंग होता है राइट टू वोट, और सब मेल को भी नहीं था।
फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब हुआ था ना, तब सफ्रेज केवल उन लोगों उन मेन को अलाउड था जिसके पास प्रॉपर्टी है। इन शॉर्ट, प्रॉपर्टी ओइंग मेन ही सफ्रेज अलाउ करते थे। जब जैकोबिन क्लब बने तब कुछ टाइम के लिए सब मेन को अलाउ कर दिया गया वोट देना, लेकिन नेपोलियन ने आके वापस लिमिटेड कर दिया कि प्रॉपर्टी ओइंग मेन ही करेगी। प्रॉपर्टी ओइंग मेन ओनली अलाउड फॉर द सफ्रेज। तो पूरी 19th और 20th सेंचुरी में विमेन और नॉन प्रॉपर्टी मेन ने इस ऑर्गेनाइजेशन बनाई और इस मूवमेंट अपोज किया। मतलब सफ्रेज उनको भी चाहिए तो वो बोलते थे कि हमें इक्वालिटी चाहिए। इन सब ने मिलकर इस चीज़ को अपोज किया। अब इकोनॉमी में, इकोनॉमिक स्पेयर में इसका मतलब है कि हमें फ्रीडम ऑफ मार्केट चाहिए ताकि हमारा ट्रांसपोर्टेशन इजीली हो सके। कोई हमें रेस्ट्रिक्शन नहीं चाहिए स्टेट टू स्टेट, जो हमें डिफरेंट टैक्स भरना पड़ता है वो हमें ना भरना पड़े, क्योंकि उस टाइम जो है ना वो डिफरेंट स्टेट डिफरेंट करेंसी रखते थे। ने एक स्मॉल प्रिंसिपैलिटीज़ बनाई थी 39 स्टेट्स की, मतलब 39 स्टेट्स में डिफरेंट डिफरेंट करेंसीज चलती थी। तो इसको सबने सोचा इसके बारे में, तो सबने क्या देखा कि ये एक रुकावट बन रही है हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ में। क्या बन रही है? रुकावट बन रही है हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ में। तो इसका सॉल्यूशन क्या हुआ? 1834 में एक कस्टम यूनियन बनी जिसका नाम था ज़ोलवेरिन, जिसको स्टार्टिंग में तो प्रशिया ने ज्वाइन किया, लेकिन बाद में उसको जर्मन स्टेट्स ने भी ज्वाइन कर लिया। इस यूनियन ने टैरिफ बैरियर्स, मतलब जो बैरियर हुआ करते थे बीच में ट्रांसपोर्टेशन के, उनको हटा दिया गया। करेंसी को 30 to 2 कर दिया गया। इसकी वजह से इकोनॉमी में बहुत अच्छी ग्रोथ हुई और वो बाद में यूनिफिकेशन का रीज़न बन गया। अब जो नेपोलियन ने राज किया था फ्रांस पे 1800s के टाइम पे, वो 1815 में ख़त्म हो गया, क्योंकि यूरोप की फोर मोस्ट पावर, मतलब ब्रिटेन रशिया प्रशिया और ऑस्ट्रिया ने मिलकर नेपोलियन को 1815 में हरा दिया, क्योंकि उनको फ्रांस में कंजर्वेटिव्स में वापस चाहिए था। कंजर्वेटिव्स में मतलब होता है एक ऐसी पॉलिटिकल फिलॉसफी जिसमें ट्रेडिशन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाए। जब कोई भी पॉलिटिक्स इंस्टीट्यूशन या कस्टम सेटअप करे तो वो ट्रेडिशन को ध्यान में रखे, ये होता है कंजर्वेटिव्स में। मतलब कंजर्वेटिव्स में को ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन स्टेट और सोसाइटी के लिए इस्टेब्लिश करना था। जैसे उनको मोनार्की चाहिए, चर्च चाहिए, सोशल हायरार्कीज चाहिए, प्रॉपर्टी और फैमिली चाहिए। लेकिन उन्होंने जो रिवॉल्यूशन से पहले का टाइम था उसको प्योरली वापस नहीं लाया था। उन्होंने कुछ चेंजेस को अनटच्ड रखा, मतलब उन्होंने पूरा कंजर्वेटिव नहीं लाया था। जैसे मॉडर्नाइजेशन को उन्होंने रखा, उन्होंने सोचा ये उनकी मोनार्की को और पावरफुल बना सकता है। और उन्होंने क्या क्या अनटच रखा? मॉडर्न आर्मी, एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी के एग्जांपल एक एग्जाम है, डायनेमिक इकोनॉमी और फ्यूडलिज्म का अबॉलिशन और सेफ्टॉर्म का भी। तो जब नेपोलियन हार गया 1815 में, तो 1815 में एक ट्रीटी ऑफ वीना हुई ताकि यूरोप का सेटलमेंट हो सके। और इस ट्रीटी ऑफ वीना को होस्ट करने वाले थे ऑस्ट्रेलियन चांसलर ड्यूक मैटनच। तो इस ट्रीटी ऑफ वीना के दौरान कुछ चेंजेस आए, जैसे बॉर्बन डायनेस्टी को रिस्टोर कर दिया गया। फ्रांस ने अपनी टेरिटरीज को खो दिया जो उसने नेपोलियन के अंडर में पाई थी, और फ्रांस की बाउंड्रीज पे स्टेट्स लगा दिए गए, टेरिटरीज लगा दी गई ताकि वो अपनी बाउंड्री को एक्सपांड ना कर सके। अब इसको चार पावर्स ने मिलकर हराया था। इनमें से ब्रिटेन ने तो कुछ लिया नहीं, बाकी तीन ने इस फ्रांस के पार्टीशन कर लिया। मतलब जो पोलैंड था उसके पास तो पोलैंड तो था ही नहीं, सॉरी प्रशिया था, उसको वेस्टर्न पार्ट में, प्रशिया जो प्रशिया था
उसको वेस्टर्न फ्रंट में कुछ इम्पॉर्टेंट टेरिटरीज दे दी गई। क्या दे दी गई? वेस्टर्न फ्रंट्स में कुछ इम्पॉर्टेंट टेरिटरीज दे दी गई। ऑस्ट्रिया को नॉर्दर्न इटली दे दिया गया, और नेपोलियन ने जो 35 स्टेट्स का कन्फेडरेशन बनाया था उसको भी इन्होंने छेड़ा नहीं, इन्होंने सोचा ये भी उनको पावरफुल बना सकता है। रशिया को पोलैंड दे दिया गया, और वापस रशिया को कुछ सैक्सोनी का पार्ट दे दिया गया। और जो ये यूरोपियन पावर्स थी, इन्होंने क्या किया, फ्रांस की बाउंड्रीज पे स्टेट्स तो लगाए थे, कौन कौन से, नॉर्थ में तो बेल्जियम जो नीदरलैंड किंगडम का था, और साउथ में गेनुआ। ओके, अब 1815 में इन्होंने अपना मेन इंटेंशन जो कंजर्वेटिव्स में वापस लाना था वो पूरा किया, और बोला कि अब हम कुछ टॉलरेट नहीं करने वाले, अगर आपने रिवॉल्यूशन करने का ट्राई किया तो हम आपको उसी टाइम पनिशमेंट देंगे या फिर मार डालेंगे। तो इन्होंने सेंसरशिप लागू करी। तो एक इशू जो लिबरल नेशनलिस्ट के थ्रू लिया गया वो था फ्रीडम ऑफ प्रेस। ओके, अब जब ये 1815 में जब कंजर्वेटिव्स में आया तो लोगों को बहुत सारे रूल्स दिए गए, रेस्ट्रिक्शन आ गए, तो लोग इससे परेशान हो गए, तो रिवॉल्यूशनरी बनने लगे। अब उस टाइम 1815 के टाइम में रिवॉल्यूशनरी होने का मतलब था कि आप को मोनार्की का पूरा अपोज करना है, लिबर्टी और फ्रीडम के लिए लड़ना है, और क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट्स के लिए लड़ना है, क्योंकि तब बहुत सारे रूल्स आ गए थे, तो सीक्रेट सोसाइटीज़ बनने लग गई। अब सीक्रेट सोसाइटीज़ बनी तो रिवॉल्यूशनरी आए, रिवॉल्यूशनरी होने का मतलब था कि आपको मोनार्की के अगेंस्ट लड़ना है। ओके, अब एक रिवॉल्यूशनरी जिसका नाम था, इटालियन रिवॉल्यूशनरी था वो, एक उनका नाम था गिसिपी मैजिनी। क्या था? गिसिपी मैजिनी, जिनका जन्म गेनोआ में 1807 में हुआ था, जो साउथ में रखा गया था फ्रांस में। जब वो 24 के थे तब उनको एक्साइल भेज दिया गया, और वहाँ पे उन्होंने दो और सीक्रेट सोसाइटी ढूंढी। उन दो और सीक्रेट सोसाइटीज़ का क्या नाम था? एक का था यंग इटली और एक का था यंग यूरोपियन बर्न। तो मैसिनी ने क्या किया, मैसिनी ने सोचा, उन्होंने देखा कि ये जो दो सोसाइटी थे यहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं ताकि ये इटाली को एक पूरा नेशन बना सके। तो ये देख के जो मैसिनी था उसने बोला कि गॉड हैड इंटेंडेड नेशन टू बी द नेचुरल यूनिट ऑफ मैनकाइंड। अब ये लोग मोनार्की के अगेंस्ट रिवॉल्यूशन करने लगे धीरे धीरे। तो जो ड्यूक मैटरनिच था, ऑस्ट्रेलियन चांसलर, जो ट्रीटी ऑफ वीना का होस्ट था, उसने मैजिनी को एक टाइटल दिया, वो था द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ सोशल ऑर्डर। ओके, तो ये उसने टाइटल दिया, ये आपको याद रखना है। ओके, तो अपन अब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं द एज ऑफ रिवॉल्यूशन 1830 to 1848। सो एक बार आप इस टॉपिक को पढ़ के रखिएगा। एंड गाइज प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको मेरा आज का लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू।